सीएसके को आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक माना जाता है। वहीं सीएसके का खेल पिछली बार उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा और टीम टूर्नामेंट के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। वहीं पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए सीएसके ने इस बार कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया। सीन वॉटसन जैसे खिलाड़ी रिटायर हो गए। ऐसे में सीएसके की बल्लेबाजी पर असर बिल्कुल पड़ा है। हालांकि सुरेश रैना के आने से सीएसके की बल्लेबाजी पहले की तुलना से अच्छी हुई है, लेकिन पूरी तरह से इसे बेहतर नहीं कहा जा सकता। वहीं फरवरी में होने वाली नीलामी में सीएसके का ध्यान अपनी टीम को बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने पर होगा। वहीं इसके लिए ये टीम बड़े खिलाड़ी अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करेगी। ये बात और है कि अन्य टीम भी इस पर जोर लगाएगी, लेकिन सीएसके में बड़े खिलाड़ी दिख सकते हैं। तीन बड़े खिलाड़ी जिन्हें सीएसके की टीम अपने साथ शामिल कर सकती है। सीएसके अपने टीम में उमेश यादव को शामिल कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि उमेश यादव के पास गति और स्विंग दोनों है। हालांकि पिछले साल आईपीएल में उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। शायद शुरुआती मैचों में हुई पिटाई के कारण उन्हें बाद के मैचों में जगह नहीं मिली। मैच जीतने वाली टीम के साथ आरसीबी ने खेलने की योजना ज्यादातर मैचों में बनाई, इसलिए यादव को मौका नहीं मिला। वहीं सीएसके की टीम गेंदबाज को धारदार बनाने के लिए उन्हें अपने साथ जोड़ सकती है। वहीं अगर सीएसके में दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो है जलस सक्सेना। वहीं केरल से आने वाले इस खिलाड़ी के पास बेहतरीन ऑलराउंडर और क्षमता है। सक्सेना बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी बेहतर है। ऐसे में सीएसके के पास ऑलराउंडर ऑप्शन रहेगा। वहीं सीएसके में ज्यादातर ऑलराउंडर को पहले ही तवज्जो दी जाती है। ऐसे में जलस सक्सेना के नाम पर टीम के मालिक नीलामी के दौरान जोर लगा सकते हैं। वहीं अगर आखिरी और तीसरे नंबर की बात करें तो एरन फिंच के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया, लेकिन शेन वॉटसन के जाने के बाद एरन फिंच की तरफ चेन्नई का ध्यान निश्चित रूप से होगा। वहीं एरन फिंच इस समय फॉर्म में भी है। ऐसे में सीएसके की टीम इस खिलाड़ी को अपने साथ शामिल करने का हर संभव प्रयास करेगी और बतौर ओपनर एरन फिंच को टीम में शामिल कर सकती है। LDNEWS रूम की रिपोर्ट।